बताइए कि कितना अटैच है स्पेशली इस सब्जेक्ट से? आज का दिन है वो महिला मुक्ति दिन है, और उसी दिन में आज महात्मा पिक्चर का अनावरण ये हमारे वर्ली में जांबोरी मैदान में हो रहा है, उसकी खुशी हमें बहुत है। एक तो अपने पूरे देश में महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे कहा जाता है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी कहानी जब भी लोग पिक्चर में देख लेंगे तभी उनको एहसास होगा कि कितना त्याग करके उन्होंने समाज का निर्मित की है। जो खुद की पत्नी अपने हस्बैंड के साथ रह के सीखती है और वो समाज को सिखाने के जाने जाती है, तभी समाज उसको क्या क्या करते हैं वो सब ये पिक्चर में दिखाई जाएगा। और उन्होंने एक हिंदू संस्कृति, एक हमारी भारत संस्कृति ये पिक्चर में बहुत हिट होगी। जो हस्बैंड हमारा काम कर रहा है ये काम करने का, पति का काम और आगे लेके जाने का, जो हम मराठी में या हिंदी में भी बोलते पति के जो अर्धांगी है वो तो पूर्णांगी हो गई। उन्होंने अर्धांगी ने वो पूर्णांगी है, उन्होंने पूरा अपना जीवन पति के साथ समाज के लिए समर्पित किया। वो जब ही लोग देखेंगे तो उसका अवेयरनेस जो बोलते हैं इतिहास दोहराना, तो हमारे साहब है इतिहासकार पुणे में हरनेरकर, नरके साहब हरी नरके, उन्होंने जो अभी इनके साथ रह के वो जो स्टडी करके एक भूमिका हर पिक्चर में जो होता है वैसा दिखाने का कोशिश की है। मुझे लगता है कौशिक जो हमारे बेटे जैसा है, हमारा ध्रुव तो मेरा बेटा ही है, और इतना अच्छा कलाकार आपको मिला है, आप उसके लिए और वो आपके लिए बहुत ही लकी है। और मुझे पक्की खतरी है, अभी मुझे पक्का लग रहा है कि ये पिक्चर जितने लैंग्वेज में निकलेगा उतने लैंग्वेज के लोग उसको माथे पे लेके घूमेंगे, ये मैं कहती हूँ। मराठी में हाँ, तो मराठी में इस बारे में और किरदार को लेके क्या कहेंगे, कौन सा किरदार में नजर आएंगे आप? हाँ, बहुत ही एपिक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी भारत में। अगर सावित्री बाई फुले नहीं होते तो शायद कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती, शायद मैं आज यहाँ ना खड़ी होती या बहुत सारी लड़कियाँ नहीं होती। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्जेक्ट है, और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल्स किए, जिस तरह से उन्होंने एक कमज़ोर पिछड़े वर्ग में होकर फिर एक कीर्तिमान स्थापित किए, इतनी सारी किताबें उस समय में उन्होंने वो समस्याएं बताई जो आज तक वैलिड है, तो एक बहुत ही अच्छा नज़रिया। और दूसरी बात एक और है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जो कीर्ति होनी चाहिए जिस तरह से उतनी नहीं है, देश के हर कोने कोने में लोग नहीं जानते हैं, तो इस पिक्चर के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश तक नहीं बल्कि बाहर देश तक, विदेश तक भी उनकी कीर्ति पहुंचे। वो मतलब उन्होंने क्या किया शिक्षा के लिए, किस तरह से शिक्षा के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए, सब लोगों के लिए उन्होंने जितना योगदान दिया वो सब तक पहुंचे। तो उनके किरदार में कौन कौन नज़र आने वाले? ध्रुवा करुणाकर उनके किरदार में नज़र आएंगे। उन्होंने अभी एक साउथ की फिल्म अश्वमेधम की है जो हमारे साथ है, वो भी सुपर हिट रही, तो वही उस किरदार में नज़र आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो।